स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फरीदनगर कोहका में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन शनिवार को हुआ। दूसरे दिन के आयोजन में जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फरीदनगर कोहका में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन शनिवार को हुआ। 3 दिनों में बच्चों ने अपने भीतर छिपी खेल प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों के बीच 50 तथा 100 मीटर दौड़, म्यूजिकल चेयर रेस, आलू दौड़, नींबू चम्मच दौड़, सुई धागा दौड़, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और खो खो आदि विभिन्न वर्गों में आयोजित खेल प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। दूसरे दिन की प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों का उत्साह वर्धन किया। आयोजन की जानकारी विद्यालय के प्राचार्य नौशाद खान और खेल शिक्षक बालक दास ने दी। ये सेजेस में एनुअल डे स्पोर्ट्स का होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे है ये इनके करिकुलम में ही रहता है। तो 29, 30 और 31 को स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया है। अपने यहाँ 300 बच्चे हैं करीब 1 से लेकर 8 तक। इसमें प्राइमरी लेवल का अलग करवाया गया है और मिडिल लेवल का अलग कराया है। बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटी सर एनुअल स्पोर्ट्स डे चल रहा है सर, मतलब 4 दिवसीय रखे हैं। 29 तारीख से चल रहा है, विभिन्न प्रकार के खेल 100 मीटर, 50 मीटर, सुई धागा, सुरीली कुर्सी दौड़, गोला फेंक, तवा फेंक, आलू दौड़, ये सारे प्रतियोगिताएँ चल रहे हैं सर, खो खो प्रतियोगिता। बहरहाल इस अवसर पर बच्चों के पालक भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।